नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलौदा नगर पंचायत में फैला डायरिया का प्रकोप, 38 लोग आए डायरिया की चपेट में। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत बलौदा के 4 वार्ड में डायरिया का मामला सामने आया है। वार्ड 3, 7, 8, 10 में लगातार स्वास्थ्य विभाग को उल्टी दस्त के मरीजों की शिकायत मिल रही थी, जिसके दौरान बलौदा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नगर के वार्ड में पहुंचकर स्वास्थ्य चेकअप किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि डायरिया की शिकायत मिल रही है, जिससे तत्काल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपचार किया जा रहा है, जिसमें 35 लोगों को उपचार घर में रखकर ही किया जा रहा है और अन्य 3 मरीजों को तत्काल CHC बलौदा में रिफर किया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। बलौदा नगर पंचायत में लगातार डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिन मरीजों को डायरिया का शिकायत मिल रही है उनका इलाज किया जा रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि नगर के वार्ड में साफ सफाई नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आए दिन नगर में बीमारी लोगों को हो रही है। वार्ड पार्षदों का आरोप है कि नगर में साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो रहा है। नगर में लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और कई सालों से टंकी की साफ सफाई भी नहीं हो रही है, जिसके कारण आए दिन बीमारी हो रही है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। अभी तो डायरिया बहुत काफ़ी मात्रा में फैला हुआ है। मैं संगीता सोनी वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद हूँ, साथ ही साथ मैं ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। हमारे वार्ड क्रमांक 7 में तो लगभग सभी घरों में डायरिया की शिकायत सुनने में आई है। मुझ तक सूचना भी आई थी, जिसको मैंने स्वास्थ्य विभाग में बताया, नगर पंचायत में बताया, जिसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निरीक्षण भी किया गया और सभी घरों में जो ORS घोल है उसको पीने के लिए बांटा भी गया है। और साथ ही साथ BMO ने, जो स्वास्थ्य विभाग के जो चिकित्सक अधिकारी हैं, उन्होंने यह भी कहा कि एक बार आके अपना ट्रीटमेंट या जो भी आके दिखाएं अपने हॉस्पिटल में, अपना चेकअप कराएं और स्वस्थ रहें। और मैं भी कहना चाहूँगी कि अगर कुछ बीमारी होती है किसी को, तो वो स्वयं को चाहिए कि स्वयं कैसे अपना देखभाल करें, स्वयं साफ सफाई रखें। और साथ ही साथ वार्ड में साफ सफाई, तो ये तो नगर पंचायत की भी जिम्मेदारी होती है। CMO सर से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत जो लापरवाही वार्डों में हो रही है, तो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कहना चाहूँगी कि वार्ड के नाली की समस्या है कि रोड की समस्या है, कचरा बाहर निकला हुआ रहता है, उसको तुरंत तत्काल फेंकवाया जाए ताकि उससे मच्छर ना पनपे और लोगों के घरों में बीमारियां ना फैलें। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है डायरिया को देखते हुए, मोहल्ले में साफ सफाई को लेकर क्या है? ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, नजर आई है साफ सफाई को लेकर। हाँ, साफ सफाई के मामले में अभी फ़िलहाल तो नगर पंचायत में सूचना देने पर भी 3-4 बार देते हैं तो एक आध बार होता है, ऐसा जल्दी से नहीं हो पाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई जनप्रतिनिधि एक बार किसी वार्ड की समस्या बता रहा है तो उसको तुरंत करना चाहिए, ना कि लेट करना चाहिए। इससे जनप्रतिनिधि को भी नुकसान है और वहाँ के लोगों को भी नुकसान है। अभी कंटिन्यू सर्वे चल रहा है। कल हम लोग भी फील्ड में पूरा सर्वे किए बलौदा क्षेत्र में, तो करीब हमको 38 मरीज मिले, जिसमें से 35 लोगों का इलाज घर में ही हो रहा है। उन लोग को थोड़ी बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। जिन 3 मरीजों का थोड़ा सा गंभीर मिले है, उनको हम लोग भर्ती कर दिए हैं यहाँ पे CC में। उनका लगातार इलाज चल रहा है और सर्वे कंटिन्यू चल रहा है, आज भी सर्वे चल रहा है। और जितने भी वार्ड में हम लोग 3, 7, 8 और 10 4 वार्ड में संख्या ज़्यादा थी मरीजों की, सबको स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा रहा है और सबको घर घर में क्लोरीन टेबलेट बांटा जा रहा है और उनको सलाह दी जा रही कि पानी उबाल के पिए, भोजन ताज़ा स्वच्छ रहे, गर्म भोजन रहे, और सबको मेडिसिन भी हम लोग प्रदान कर दिए हैं वहाँ पे। और अभी कंटिन्यू सर्वे जारी है आज तक।